हाँ भाई नमस्कार। तो आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है, ठीक है, और क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें से कितने कंपाउंड हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, ये आपको बताना है। रेजोनेंस स्टेबलाइज शुरू करें, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो यस, अदरवाइज नो। चलो पहले के बारे में बताओ, ये बीच में sp3 कार्बन आ गया ना, यहां पे भी sp3 sp3, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सेकेंड में रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यानी थर्ड में हो रहा है रेजोनेंस। आगे बढ़े, इनमें बताओ, फोर में ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, यस रेजोनेंस। इसमें सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यस रेजोनेंस। इसमें ये sp3 कार्बन आ गया, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, खुद से आगे नहीं होता, आगे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें कैसा होगा, ओ का लोन पेयर यहां कॉन्जुगेशन में जा रहा है, यस रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये एन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें भी ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, यस रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें तीनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है। नेक्स्ट, इसको ट्राई करो, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, sp3 कार्बन हो रहा है ना, ये इसमें हो रहा है रेजोनेंस, है ना, इसमें एन का लोन पेयर का हो रहा है, यस इट इज रेजोनेंस। थर्टीन, ये ओ का लोन पेयर का रेजोनेंस है ना, तो यस रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी डबल बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें बीच में sp3 कार्बन आ गया, यानी नो रेजोनेंस। इनको ट्राई करो, 16 में यहां क्या हो रहा है, ये नेगेटिव जाएगा डी ऑर्बिटल में, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें भी डी ऑर्बिटल है फर्स्ट फर्स्ट में, इसमें भी सल्फर का डी ऑर्बिटल है, ऑल आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। 19 बताओ, 19 में सल्फर का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज। लोन पेयर पाई बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज। 22 बताओ, 22 में तो सब sp3 हो रहे हैं ना, बीच में कार्बन, कोई रेजोनेंस नहीं है। और 23 में ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज। 24 में भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज। 25 में बताओ, ये 25 में ये रेडिकल रेजोनेंस करेगा ना, 26 में भी ये रेडिकल का रेजोनेंस कर सकते हैं, 27 में भी ये पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस कर सकते हैं, 28 में पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, 29 में Br का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, 25 में क्लोरीन का लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, 30 में, 31 में बताओ ये ओ का लोन पेयर का रेजोनेंस होगा, ठीक है, इसमें ये तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, sp3 है, लेकिन ये तो कर रहा है ना रेजोनेंस। सिमिलरली यहां पे ये sp3 है, तो यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, समझ गया आप। 34 बताओ, 34 में ये sp3 कार्बन है ना हमारा, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। 34 में ये ओ का लोन पेयर जा रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहां पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज। 37 में ये पाई बॉन्ड इधर गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज। लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। 35 में सल्फर का लोन पेयर का रेजोनेंस करेंगे ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओ का लोन पेयर का रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज। कार्बन आयन का करेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज। आप बीच बीच में पॉज करते रहना, देखते रहना। फोर्टी थ्री में क्या होगा, ये नेगेटिव जा रहा है ना, रेजोनेंस। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रेजोनेंस करना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज।
इनको ट्राई करो 46, 47, 48. 46 में भी ये एन का लोन पे रेजोनेंस करेगा, 45 में भी करेगा, 48 में भी करेगा, 49 में बताओ रेजोनेंस स्टेबलाइज, 50N का लोन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा ना रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज. 52 में बताओ, इसमें तो बेंजीन का रेजोनेंस हो ही रहा है, इसमें भी बेंजीन और क्लोरीन का रेजोनेंस हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज. क्लियर है ना? 55 बताओ, 55 में ओ का लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस करेगा, 56 में पाई बॉन्ड रेजोनेंस होगा, 57 में भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस होगा. इनको ट्राई करो, 58 में क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है बिकॉज sp3 कार्बन, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, 60 में रेजोनेंस हो रहा है. 61 में बताओ, पाई बॉन्ड रेजोनेंस, 62 में sp3 नो रेजोनेंस, 63 में एन का लोन पेयर के साथ रेजोनेंस, 64 में ये हो रहा है रेजोनेंस, 65 में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर ये भी रेजोनेंस, 66 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये सब रेजोनेंस स्टेबलाइज है. 67 बताओ, ये एन का लोन पेयर का रेजोनेंस हुआ, इसमें ये क्लोरीन और एसओ का रेजोनेंस हुआ, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस. समझ गए आप? ठीक है, चलो पूरे हुए. अब बताओ आउट ऑफ 70 कितने जो है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं थे, कितनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा था, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा था. ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने हुए. और पूरा आपने अगर क्विज अटेम्प्ट किया हो तो कमेंट सेक्शन में आपको डन जरूर लिखना है. ठीक है, और वीडियो लाइक शेयर और जरूर करना है, दोस्तों को जरूर बताना है. मिलते हैं फिर आगे प्रैक्टिस सेशन में, DPP टेस्ट प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे. तो हमारा एम क्या है, लेट्स टीच एंड फीड इंडिया, ये मेरा लाइफ का मोटो है, टीच एंड फीड इंडिया. मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत.